पहले टिक्का लगाते हो ना, ये भी आए। अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज रक्षाबंधन है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ससुराल और मेरे मायके दोनों जगह पे रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती है, लेकिन मैं फिर भी अपने भाई को राखी बांध देती हूँ। मतलब हम लोग वो पूजा नहीं करते हैं, बस मैं भाई को राखी बांध देती हूँ और वो मुझे शगुन दे देता है। तो आज मैं वहीं तैयार होकर घर पर जा रही हूँ और मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। मैंने ये येलो सूट पहना है, वैसे मैंने इसके मेकअप का मतलब पूरा लुक शूट किया है, सो वो वीडियो भी आएगा बहुत ही जल्दी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो लाइव होगी। और अभी शाम हो गई है, मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग, क्योंकि पूरा दिन आज टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि घर पे आशीष भी थे आज, तो बिज़ी थी मैं आज पूरा दिन सुबह से। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ा तैयार होने में भी टाइम लगा, सब चीज़ें करनी पड़ती है, बच्चा भी है छोटा, तो अब जाके मैं रेडी हुई हूँ। और आई थिंक अभी 6:05 बज गए, शायद 5:30 बज गए हैं, और हम लोग पहले घर जाएंगे, उसके बाद मुझे एक फंक्शन में भी जाना है, अपनी फ्रेंड के घर पे जाना है। उसके यहाँ पे आज बागड़ यात्रा है, मतलब बागड़ यात्रा ख़त्म हो गई है, अभी वो लोग घर आ गए हैं। पता नहीं लोगों को पता होगा या नहीं, मतलब बहुत से मेरे सब्सक्राइबर को बट पता होगा बागड़ यात्रा के बारे में, हमारे यहाँ पे होती है चौहान्स में, जो लोग चौहान होंगे उनको तो पता होगा, या जो लोग राजस्थान साइड से होंगे, पता नहीं राजस्थान से कोई मेरा ब्लॉग देखता होगा या नहीं देखता होगा, लेकिन जो लोग राजस्थान से होंगे या जो लोग चौहान से होंगे उनको पता होगा। तो मैं आज वहीं पर ही उसके घर पे जा रही हूँ, और वहाँ पे वैसे मैं इतनी ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आपको दिखाऊँगी और वॉइस ओवर करके बाद में डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर होने वाला है। और इसीलिए घर पर मैं, एक रीज़न ये भी है, कुंज को भी वहाँ पर घर पर छोड़ के आऊँगी, क्योंकि कुंज को हम वहाँ पर नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्राउड होगा और ढोल वगैरह बज रहे होंगे, तो वो शोर में परेशान हो जाता है और ना वो खुद इंजॉय कर पाएगा ना मेरे को इंजॉय करने देगा, इसीलिए हम उसको घर पे छोड़ के जाएंगे और मैं और आशीष जाएंगे। तो वहाँ पे जाके मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत। अभी तो वैसे हम लोग घर पे निकल रहे हैं, तो एक घंटा शायद मैं घर पे रुकूंगी, राखी वगैरह लूँगी, अभी रास्ते से मिठाई वगैरह लूँगी, आशीष बस आने वाले होंगे थोड़ी देर में, फिर हम लोग निकल रहे हैं, तभी मैं दिखाती हूँ आपको आशीष, मैं, कुंज, तीनों को दिखाती हूँ और घर पर जाके दिखाती हूँ। हाथ दुख गया मेरा इतनी देर से फ़ोन को पकड़े पकड़े। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं एंड ये रहा कुंज। Hi Kunj, say hello to everyone. And this is Ashish. अभी हम लोग रास्ते में हैं और बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, फिर मैं वहां पे आपको मिलती हूँ। धन्यवाद। पैसे दे दो ले कुंज का भी पापा। इसका कौन बंद है कि नान नहीं खाना नहीं है बाबू इसको, इसमें मनी है, मनी मनी गिव मी, चलो हमें दे दो। Five hours later. Hi guys, sorry guys,
मैं फंक्शन में से वापस भी आ गई हूँ, आप देख सकते हैं मेरी हालत। वैसे मेरा मेकअप अभी तक भी टिका हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिला सबसे मिलना जुलना, तो इतना कुछ मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ पर कुछ व्लॉग करने का। इवन मैंने वहाँ पर एक सिंगल पिक्चर भी क्लिक नहीं की वहाँ पर। वैसे मेरी फ्रेंड मुझे मिली, रिलेटिव्स भी मिले, मेरी बहन मिली वहाँ पर मुझे और एक दो और लोग मिले, बट वहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सॉरी, ब्लॉग थोड़ा सा छोटा बनेगा, मुझे लगा था कि वहाँ पे भी मैं शूट करूँगी, बट मैं थोड़ा सा आपको बागड़ के बारे में बता देती हूँ। और देखिए, मैं इसीलिए वहाँ पे येलो सूट पहन के गई थी क्योंकि जब बागड़ यात्रा पे जाते हैं ना तो येलो कलर के कपड़े पहन के जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ मैचिंग पहन के जाऊँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई मतलब विश मांग लेता है कि हम अपने बच्चों को बागड़ यात्रा पे भेजेंगे, तो ऐसे वहाँ हमारे यहाँ पे बागड़ यात्रा पे भेजा जाता है। और फिर पाँच दिन, चार पाँच दिन का वो फंक्शन चलता है, मतलब जब तक वो लोग जिसको हम बागड़ भेजते हैं वो लोग जाए रहते हैं, तो घर पे उनके यू नो वो पूजा वगैरह होती है बागड़ की, और भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है। ऐसे अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी ना तो एक घंटा लग जाएगा बताने में, मतलब अलग से मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ, इतना सारा कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसे तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता तो आप अलग से सर्च कर लेना कैसे होता है। तो या गाइज, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, एंड कल को परसों को आई थिंक एक और भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ, और ये मेकअप लुक इसके बाद आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड विद एवरीवन। बाय बाय।